अगर आप ये वीडियो पहली बार देख रहे हैं तो मावला क्लासेस समय समय पर ऐसे वीडियोस भी आपके साथ शेयर करती है जिससे आप मोटिवेट हो सके। किसी न किसी बच्चे को जिसने कुछ ना कुछ अपना एक माइलस्टोन या कुछ भी अचीव किया है उसे हम इंट्रोड्यूस कराते हैं जिससे कि आप उससे मोटिवेट हो पाएँ। बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट्स होते हैं जिनकी प्रॉब्लम उन बच्चों के साथ मैच खाती है जो बच्चे अपना इंटरव्यू या अपनी बातों को शेयर करते हैं। तो आज का भी हमारा वही मोटिवेशन और वही हमारा टारगेट है कि उन बच्चों को हम टारगेट करेंगे जो बीएससी या बीसीए के अपेयरिंग स्टूडेंट्स हैं। सौम्या उमर से पहले उनके एकेडमिक यानी कि 12th 10th और ग्रेजुएशंस, इसमें पहले मार्क्स और उनकी पढ़ाई के बारे में पूछेंगे और हम बताते चलें कि सौम्या ने इस बार NIT कुरुक्षेत्र में एडमिशन लिया है, एक अच्छी रैंक पाई थी, वो अच्छी छात्रा रही हैं, बीएससी अपेयरिंग की छात्रा रही हैं। बहुत सारा दबाव होता है बीएससी के साथ साथ बीसीए के साथ साथ आप जब कंटिन्यू करते हैं प्रेपरेशंस, तो ये आज का जो वीडियो है, आज का जो सेशन है वो उन बच्चों के लिए जो अपेयरिंग के स्टूडेंट्स हैं, जो इन समस्याओं से ग्रस्त हैं, जूझ रहे हैं। सौम्या की बहुत ही बहुत ज़्यादा स्ट्रगल था, जब ये बताएंगे तो खुद आप इसका दर्द को महसूस करेंगे और आपको एक आशा ज़रूर मिलेगी इस सेशन के बाद। सौम्या से पूछते हैं उनकी शुरुआती दौर की पढ़ाई के बारे में। मेरा नाम सौम्या उमर है। मैंने अपनी ग्रेजुएशन पीपीएन डिग्री कॉलेज से कंप्लीट की है और मैंने अपना 12th ओमकारेश्वर सरस्वती विद्या निकेतन से किया है जो पी रोड में है, और मैंने अपना 12th बेनेस्डे शिक्षा निकेतन बालिका विद्यालय से किया है। मेरे 10th में 85% आए थे और 12th में मेरे 92% आए थे एंड मेरे बीएससी में 71% आए हैं। और मैंने और इसी के साथ साथ मैंने एमसीए एंट्रेंस एग्ज़ाम भी क्वालिफाई किया था अपने अपियरिंग के साथ साथ। जो सबसे इंस्पायरिंग और मोटिवेशन जिस बात से आप बहुत ज़्यादा इंस्पायर्ड होंगे वो इनके थर्ड ईयर और थर्ड ईयर के साथ साथ जो इन्होंने एमसीए की तैयारी की तो इनके शेड्यूल से होंगे, जो इनका हैक्टिक शेड्यूल था किस तरीके से इन्होंने मैनेज किया उसके बारे में पूरा डिटेल में बताएंगे। तो अगर आपका इसी तरीके से कोई हैक्टिक शेड्यूल है, अगर आप ड्रॉप करने की सोच रहे हैं, तो इस वीडियो के बाद इस बात का मुझे पूरा पूरा भरोसा है कि आप एक बार फिर से सौम्या की तरह मेहनत करेंगे। सौम्या से पूछते हैं कि इनका प्रॉपर पूरा 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 डे आउट किस तरीके से था और कितना हैक्टिक था, डीप में बताएंगी जैसे कि आप उस दर्द को, उस चीज़ को, उस पीड़ा को समझ पाएँ। मेरे सबसे मेन 3 टास्क थे डेली। जो पहला था कि जो मेरा बीएससी में जो मेरी पढ़ाई है उसको कंप्लीट करना, उसके बाद बीएससी में जो मेरा टिपिकल सब्जेक्ट था मैथ उसको अच्छे से प्रिपेयर करना, और थर्ड पार्ट था मेरा एमसीए एंट्रेंस की कोचिंग करना। तो ये तीनों चीज़ों को करने के लिए मैंने मॉर्निंग में बीएससी मैथ्स की कोचिंग कर रखी थी। उसके बाद फिर मैंने जैसे कोचिंग मेरी कंप्लीट होती थी उसके बाद मैं अपने यहाँ पर एमसीए एंट्रेंस की कोचिंग आ जाती थी। उस जैसे यहाँ पर मैं आती थी क्योंकि मेरा कॉलेज जो था वो रेगुलर था तो मुझे कॉलेज भी अटेंड करना ज़रूरी था। तो मैं जैसे यहाँ पर कोचिंग आती थी उसके बाद कुछ टाइम पढ़ के उसके बाद मैं अपने कॉलेज चली जाती थी। कॉलेज से जैसे ही मैं वहाँ से मेरी कंप्लीट होती थी स्टडी उसके बाद मैं क्लासेस अपनी जो एंट्रेंस की क्लासेस होती थी दोबारा मैं कोचिंग आ जाती थी। लगभग 20-22 किलोमीटर मुझे ट्रेवल करना पड़ता था। मेरा शेड्यूल बहुत हेक्टिक था, कभी कभी मैं परेशान हो जाती थी कि मैं कर पाऊंगी कि नहीं दोनों चीज़ें। एक बात और क्लियर बताते चले कि जब भी स्टूडेंट्स इंटरव्यू या सेशन लेते हैं तो थोड़ा सा वो हेजिटेट करते हैं, तो सौम्या की उन बातों पर आप थोड़ा नज़रअंदाज करें, उन बातों को न लें कि वो कैसे बता रही, बट उस बात को महसूस करें कि उनका बताने का जो जो स्ट्रगल है उस बात को एहसास करें। सौम्या ने बताया कि उनकी बीएससी की कोचिंग और कॉलेज और एमसीए एंट्रेंस, तीन कोचिंग्स को बैलेंस करना, स्कूल्स और कोचिंग्स घर से काफ़ी दूर थे, ट्रेवल करना, रेगुलर करना, ये बहुत ही टफ टास्क है, बहुत ही टफ जॉब है, पर डे करना बहुत ही टफ है, रेगुलरिटी मेंटेन करना टफ है। ऐसा क्या मोटिवेशन इनको मिला, ऐसे कौन से ऐसे लोग थे जो इनको मोटिवेट करते रहे जिससे कि रेगुलर निरंतर इस चीज़ को कर पाई, क्योंकि एक बच्चा अगर लगातार इस तरीके से प्रयास करता है तो कहीं ना कहीं वो टूट जाता है, परेशान हो जाता है, बहुत सारे हेक्टिक शेड्यूल में वो दब जाता है, उसको उबारने के लिए कोई ना कोई ऐसा कोई की फैक्टर या कोई ऐसा मोटिवेशन होता है जो उसको पर डे मोटिवेट करता है, जो निरंतर वो लगातार प्रयास करता रहता है। सोमिया से जानते हैं कि उनको किसने मोटिवेट किया, उनको कैसे मोटिवेशन मिला या किस कहाँ से मोटिवेशन मिला, कैसे वो अपने आप को मोटिवेट कर। मेरा डेली का जो शेड्यूल था बहुत हेक्टिक था, कभी कभी मैं परेशान हो जाती थी,
कि मैं एक चीज़ को ड्रॉप करूँ या ना करूँ, कि मेरे मुझे आ रहा है कि नहीं आ रहा है, ये सब प्रॉब्लम में आने लगती थी। तो तब क्या होता था, मेरे पेरेंट्स जो थे वो मेरी हेल्प करते थे, वो मुझे समझाते थे कि नहीं बेटा तुम करोगी तो तुमसे हो सकता है। फिर उसमें उन्होंने बताया कि बेटा तीन तरीके के लोग होते हैं, एक जो होते हैं किसी के किसी को अपनी प्रॉब्लम बता शेयर ही नहीं करते हैं, और दूसरे होते हैं जो अपनी प्रॉब्लम शेयर करते हैं पर उसको अचीव नहीं कर पाते हैं, वो बोल जो कहते हैं कि कर देंगे पर वो कर नहीं पाते हैं, और तीसरे उस टाइप के लोग होते हैं जो उनके पेरेंट्स अगर उन्होंने समझाया तो वो उस बात पे अमल भी करते हैं और कोशिश करते हैं कि हाँ वो चीज़ कर सके। तो मैंने अपने पेरेंट्स से यही सीखा, उन्होंने मुझे समझाया तो मैंने उनकी बात को समझा, और पर डे फिर डेली 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 जो मेरा शेड्यूल था उसको करने की कोशिश करी, और जब मैंने ये सब किया तो उसके बाद आज मैं जो भी हूँ वो अपने पेरेंट्स की वजह से ही हूँ। अगर उन्होंने मुझे मोटिवेट ना किया होता तो आज शायद मैं यहाँ ना होती। तो सौम्या ने अभी बताया कि जब वो बहुत ज़्यादा मानसिक तनाव, बहुत ज़्यादा हैक्टिक हो जाता था, तो उन्होंने हमेशा क्या किया, अपने पेरेंट्स का सपोर्ट मांगा। उनके पेरेंट्स ने उनका सपोर्ट दिया भी है, और ज़्यादातर अक्सर केस में होता भी है कि आपके पेरेंट्स हमेशा आपको सपोर्ट करते हैं, मगर कुछ चीज़ें ऐसी भी होती हैं जो पेरेंट्स के हाथ में नहीं होती, बस में नहीं होती। जैसे कि आपको कोचिंग और कॉलेज और आपकी एंट्रेंस की कोचिंग है तो वहाँ पे काम दिए गए, आप होमवर्क दिया गया तो आपको वो खुद करना पड़ेगा। तो देखते हैं कि सौम्या से जानने की कोशिश करते हैं कि उस सारे हैक्टिक शेड्यूल में उन सारे होमवर्क उन असाइनमेंट्स को कैसे किया, या जो समय बीच बीच में जो इन्होंने कहा कि हमने शेड्यूल बना के रखा था, कभी कभी क्या है कि आपको वहाँ पर उतना मिल नहीं पा रहा, टाइम ज़्यादा वेस्ट कर हो रहा है, तो इसका इसके लिए कुछ प्रॉपर उपाय उन्होंने लिए या नहीं लिए, कॉलेज में रेगुलर कॉलेज जाना, गवर्नमेंट कॉलेज जाना, वहाँ पर कभी भी क्लास होती हैं नहीं होती हैं, तो इनका टाइम इन्होंने कैसे मैनेज किया, किस तरीके से कोई नया कोई सोल्यूशन निकाला, उसका कोई उपाय निकाला कि नहीं, सौम्या से जानते हैं। जैसे मेरा डेली का शेड्यूल था उसमें भी ये था कि जो मेरा गवर्नमेंट कॉलेज था तो उसमें ये भी होता है कि कभी क्लास लग रही कभी नहीं लग रही, तो मैंने वहाँ पर अपने जो मेरे सर थे उनसे मैंने पहले से बात करके रखी थी कि सर जब मुझे क्लास ना हो तो सर मुझे इन्फॉर्म कर दे कि मेरा टाइम वेस्ट ना हो। फिर और यहाँ तक कि मैंने जब अपनी कोचिंग थी वहाँ तक भी सर को अपने सब बता दिया था, उनसे भी मैंने उनको भी कह दिया सर जैसे जब किसी कभी किसी टाइम से क्लास नहीं हो रही तो मुझे बता दे जैसे मेरे किसी टाइप से भी टाइम वेस्ट ना हो, क्योंकि मेरे पास दो दो चीज़ें थी, BSc और MCA दोनों चीज़ को मुझे प्रिपेयर करना था, दोनों की तैयारी अच्छे से करनी थी, तो मैं अपना टाइम किसी भी तरीके से वेस्ट नहीं करना चाहती थी। सौम्या के डेली रूटीन लाइफ को हम लोगों ने जाना, कैसे उन्होंने उससे को मैनेज किया ये भी सौम्या ने बताया। बट एक हमारा क्या होता है कि हम जब भी BCA या BSc में अपेयरिंग होते हैं तो एक निगेटिविटी हमारे अंदर आने लगती है, हमारा मोरल ठीक, हमारा कॉन्फिडेंस धीमे धीरे लो होने लगता है, क्योंकि हम उतना प्रॉपर अटेंशन दे ही नहीं पाते हैं। बहुत सारे बच्चे जो स्पेशली तैयारी कर रहे होते हैं या BSc पे फोकस कर रहे होते हैं वो आपको बहुत ज़्यादा टेंस कर देते हैं, उनके प्रॉपर टाइमिंग के उनके परफॉर्मेंस से आप डरने लगते हैं, अंदर ही अंदर आप एक निगेटिविटी आपके ऊपर हावी होने लगती है। उससे ये कैसे बची, किस तरीके से वो निकली है, कैसे कॉन्फिडेंस पाया, रेगुलर बनी रही, सौम्या इसके बारे में बताएंगी, आप उसको फॉलो करें। जो हमारे भी टेस्ट होते हैं उसके अकॉर्डिंग पढ़ाई करना और अपने लेवल को अपने टेस्ट सीरीज़ के साथ मैच करना, कि जो जो टेस्ट हो रहे हैं उसी के हिसाब से अपनी पढ़ाई को मेंटेन करना, कि कैसे कैसे हम लोग पढ़ें कि जो हमारे टेस्ट सीरीज़ है उसमें भी हमारी रैंक आए, अच्छे से रैंक आए। तो सौम्या ने अपनी सारी प्रॉब्लम्स को बहुत ही अच्छे से रखा यहाँ पर और सारी चीज़ों को डीप में बताया है। मुझे लगता है 100% भरोसा है कि जो भी इस सेशन को बच्चे अटेंड कर रहे होंगे उन बच्चों को एक बहुत ही एक एनर्जी एक आशा मिली होगी, और ये रियलिटी है। सौम्या से पूरी साल हमने सौम्या को देखा है, फील किया है कि सौम्या ने बहुत मेहनत की, बहुत प्रयास किए। NIT कुरुक्षेत्र भी पाना इसके लिए बहुत बड़ी बात है, NIT त्रिची की तरह ही है कि दो बातों को दो चीज़ों को मैनेज करना। सौम्या के बारे में एक बात हमने नहीं बताई थी, सौम्या के BSc फर्स्ट ईयर में 46% के करीब मार्क्स थे। अब जब किसी बच्चे के अगर फर्स्ट लेवल पे ही 46% रह जाएं, उसको 60% मेंटेन करना हो और उसके साथ साथ NIT का एग्ज़ाम भी क्रैक करना हो, तो आपके मामले में या आपके आईने से या आपके तरीके से हो सकता है कि सौम्या का अचीवमेंट एक बड़ा अचीवमेंट ना हो। बहुत सारे लोग इसको बहुत बड़ा अचीवमेंट ना समझे, बट जो हमने फील किया है, जो इस जर्नी को हमने देखा है, सौम्या को सपोर्ट करने वाले लोग जानते होंगे कि इन्होंने कितना ज़्यादा स्ट्रगल किया। इसकी जगह और भी कोई होता तो हार जाता,
बीएससी पैरेलल बीएससी को संभालना, उसके परसेंटेज को 60% में कन्वर्ट करना, एक अच्छी एनआईटी लेना, इट्स नॉट अ इजी गेम। तो सौम्या ने एक भरसक प्रयास किया, ये उनके लिए मोटिवेशंस का काम करेगी जो इस तरीके के बच्चे हैं जो मिसगाइडेड हैं, अपने परसेंटेज से मायूस हैं, अच्छा नहीं कर पा रहे हैं, उनके लिए एक बहुत अच्छा संदेश है, अच्छा मैसेज है, वो खूब पढ़ें, मन से पढ़ें और सौम्या की तरह नाम करें। सौम्या NIT कुरुक्षेत्र पहुँची हैं, आप NIT इलाहाबाद या उससे अच्छे और कॉलेज में पहुँची हैं, सौम्या को भी अच्छा लगेगा। सौम्या यहाँ पर आई, अपनी बातों को साझा किया, जिस तरीके से भी अपनी बात को रख पाएँ, आप उन सब छोटी छोटी गलतियों को अब नेगलेक्ट करें। सौम्या को भी ब्लेसिंग्स दें और मेरी तरफ से ढेर सारी ब्लेसिंग्स है सौम्या को, कि सौम्या का अच्छा प्लेसमेंट हो और अच्छा ये नाम और अच्छा करें, रोशन करें, मावला का नाम हो। इसके साथ साथ आप सबको ये मोटिवेट करते रहें। एक प्यारा सा संदेश सौम्या के साथ यहीं पर ख़त्म होता है, मेरी तरफ से धन्यवाद। सौम्या कुछ अगर लास्ट में बोलना चाहें तो सौम्या के कुछ विचार लास्ट में हम जान लेते हैं। लास्ट में मैं यही बोलना चाहूँगी कि अपने सेल्फ कॉन्फिडेंस को कभी भी गिरने ना दें, हमेशा अपने पेरेंट्स और अपने सर की रिस्पेक्ट करें और जहाँ पर भी हैं उसे हमेशा ऊँचे लेवल पर जाने की कोशिश करें, क्योंकि कोशिश करने वालों की हार नहीं होती। थैंक यू सो मच।